श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं लौटती हुई महिलाओं को, बच्चों को, सब घर लौट रहे हैं कथा सुनने के बाद। जय श्री राम, जय श्री राम दीदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत पास से दर्शन हुए महाराज जी के। हनुमान की भक्त के सामने देखो कैसे खड़े। विनती करो जोड़ी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। विनती करो जोड़ी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। रावण बोला हमारे सामने तो अच्छे अच्छे हाथ जोड़े हैं, देखो देवता हाथ जोड़े हैं। हनुमान जी बोले सबके हाथ जोड़ने में हमारे हाथ जोड़ने में अंतर है। रावण बोला क्या अंतर है? हनुमान जी बोले जो बाकी हाथ जोड़े हुए हैं वो भय से जोड़े हैं और हम जो हाथ जोड़े हैं वो भाव से जोड़े हैं। Yeah.
आदम्बर हमारे सरकार को आपकी घर नहीं लगता हनुमान जी बोले तुम बताओ तुम्हारा बीपी ठीक है। देखो एक बात याद रखना जो सत्य पर चलता है जो राम का उपासक होता है वो दुनिया में किसी ताकत से नहीं रहता क्योंकि सबसे बड़ी सत्ता का नाम प्रभु राम। क्या नाम है बोलो बोलो बोलो। अगर तुम्हें भी भय से बचना हो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको भय जो पत्थर में जो अमीर है भी सुन ले कहीं हम गरीब ना हो जाए जो सुखी है बॉडी बना रहे बॉडी गरीब है भी सोच रहे कहीं हम मेरे परमात्मा के जो बातें को बना रहे हैं सिखा रहे हैं इतना रंग का और जो हमारे गरीब की है भी सोच रहे कहीं पेट में मर बड़ी आप घर लौटते हुए लोग घर लौटते हुए लोग जैसे चिड़िया शाम में अपने घर को लौट जाती है वैसे कथा के बाद भक्त लोग अपने घर की ओर लौट रहे हैं। भक्तों का ऐसा मन था कि वो तो जाना भी नहीं चाहते थे लेकिन कथा का भी एक समय होता है और इतने सारे लोगों को बांध कर रखना एक जगह अपने अपने विश्वास और कथा से बांध के रखना बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये काम बखूबी धीरेन्द्र शास्त्री जानते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का जनून लोगों के सर पर चढ़ के बोलता है। आप देख सकते हैं कि करीब करीब दो